अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए मोवा इलेक्ट्रिक रिक्शा का रिव्यू और उसके मार्केटिंग ऑफिसर से हम आपकी बात करवाते हैं और मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जानते हैं। ये एक्चुअली यस इलेक्ट्रोमोटिव की तरफ से हमारा फर्स्ट थ्री व्हीलर का वेरिएंट है मोवा। ये फुल इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर है जो कि हम मार्केट के अंदर हमने आज अपना जो फर्स्ट डिज़ाइन है वो अनवील किया है। इसके अंदर जो है 7.2 किलोवाट आवर की बैटरी है जो कि ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर की रेंज देती है ऑन अ फुल चार्ज। इसका चार्जिंग टाइम जो है ये 2.5 से 3 घंटे का है और ये किसी भी होम सॉकेट के ऊपर ये चार्ज हो जाती है इजीली। इसके ये रिप्लेसमेंट किस चीज़ की है, रिक्शे की है या गाड़ी की? ये बेसिकली रिक्शे की ही रिप्लेसमेंट है। इसके अंदर हमने फोकस किया है डिज़ाइन को, कंफर्ट को और एक हमने बेटर ऑप्शन प्रोवाइड की है मार्केट को थ्री व्हीलर की इंडस्ट्री में। और इसमें एक चीज़ ये बता दें कि ये इसमें चार्जिंग टाइमिंग और इसकी परफॉर्मेंस के बारे में कि ये कितना चल जाएगी चार्जिंग? सर 0 to 100 ये चार्ज होने में 2.5 से 3 घंटे लेती है और ये फुल 100% अगर आप 0 to 100 यूज़ करेंगे इसको, इसकी चार्जिंग कैपेसिटी को, तो ये 150 किलोमीटर की रेंज देगी। और ये कितनी स्पीड में जो है वो इसके, ये कंप्यूटर कंट्रोल्ड इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है मैक्सिमम? जी मैक्सिमम, वैसे तो ये ज़्यादा हो सकती है लेकिन हम जो मार्केट में रिलीज़ करेंगे वो कंप्यूटर कंट्रोल। किस पे ये चल सकती है? मिनिमम तो आप जितनी मर्जी पे चला सकते हैं, आपने थ्रॉटल प्रेस करना जितना मर्जी करें। थैंक यू। लाइट वेट के साथ लाइट फीचर्स इस्तेमाल किए गए हैं। फ्रंट पर LCD और रिवर्स न्यूट्रल और ड्राइव की जो है वो गियर्स इसके अंदर बनाए गए हैं और इसके अंदर पैडल, रेस और ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है। बाकी थ्री व्हीलर्स ये रिक्शा होगा, इसमें सीट्स के नीचे ही बैटरीज और कंट्रोलर वगैरह जो है उसके रखने की स्पेस मौजूद है। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।